हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम महेश कुमार वर्धवाल का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसका ये एक्सरसाइज है रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। तो इस क्रम में पहला प्रश्न हमारा है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, मीन्स किसी भी परमाणु में, एटम में, जो उसका पूर्ण द्रव्यमान होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में। और नाभिक में होता क्या सब है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वजन होता है वही क्या होता है? किसी परमाणु का भार होता है। याद रखिएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड होता है। नेक्स्ट है हमारा, रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है? वो होता है भारी एवं अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में। फिर से पढ़ता हूँ, रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है? इसमें तो भारी एवं अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। रेडियो सक्रियता पर शोध के दौरान किन वैज्ञानिकों ने रेडियम एवं पोलोनियम की खोज की थी? आपको ये याद रखना है कि रेडियो सक्रियता के दौरान ही रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था, लेकिन उन साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो रेडियम की थी मैडम क्यूरी और पोलोनियम का पियर क्यूरी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण सभी होते हैं। याद रखिएगा, अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कण होता है। बीटा निगेटिव कण होता है। और ये क्या होता है? उदासीन होता है, मीन्स कोई चार्ज इस पर नहीं होता, न्यूट्रल होता है। अब है किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिकीय क्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित नए तत्व का नाभिक क्या होता है? मूल तत्व के नाभिक से अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है। आंसर क्या होगा? ए। अब हमारा प्रश्न है, किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए उसके नाभिक पर किन कणों की बौछार की जाती है? फिर से पढ़ता हूँ, किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, उसके नाभिक पर हम किसके कणों का बौछार करेंगे? तो इसमें से सभी का किया जा सकता है, अल्फा कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब कुछ का बौछार आप कर सकते हो। फिर है, ट्रांस यूरेनियम तत्वों के विषय में कौन सा कथन असत्य या गलत है? तो पहले पढ़ लेते हैं सत्य कौन कौन सा है। ट्रांस यूरेनियम, इसकी परमाणु संख्या यूरेनियम से अधिक होती है, सही है। फिर है, ये कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है, ये आर्टिफिशियल है। फिर है, ये रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये तीनों क्या था? ट्रांस यूरेनियम के बारे में सही था। और ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, बिल्कुल ये इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि इसे हम कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम के नाभिक के समान परमाणविक संरचना करता है? वो क्या होता है? अल्फा कण। रिपीट करता हूँ मैं, निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम के नाभिक के समान परमाणविक संरचना करता है? वो क्या होता है? अल्फा कण। अब हमारा, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके परमाणु क्रमांक में कमी आएगी, और जब परमाणु क्रमांक में कमी आएगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु भार में भी कम आएगा। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या में कमी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के हम बनाते हैं परमाणु भार, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण के उत्सर्जन से उसके द्रव्यमान पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो जब बीटा कण का होगा तो द्रव्यमान क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। गामा किरण निम्नलिखित में से क्या है? ये क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक, मीन्स क्यूरी तो सब जानते हैं, बेकरल भी होता है, क्यूरी और बेकरल। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अल्फा, बीटा तथा गामा किरण की वेदन क्षमता को आरोही क्रम में लगाना है, सॉरी अवरोही क्रम में, ठीक है ना, मीन्स उल्टा लगाना है। सबसे अधिक पहले किसका होता है वो लिखना है। तो सबसे अधिक होता है गामा किरण का, फिर बीटा और फिर अल्फा, अपोजिट होता है अल्फा, बीटा, गामा, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन को संभारिक उत्पन्न होते हैं? कौन सा? बीटा किरण।
संभारिक मीन्स दो परमाणु में भार क्या हो जाता है, समान होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक संख्या मीन्स प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी नाभिक के गामा क्षय का क्या मीन्स होता है, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है, ना तो द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु संख्या बदलती है, क्योंकि गामा किरण क्या होता है, उदासीन होता है, इसलिए परमाणु पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयोग की जाती है। तो कार्बन डेटिंग से हम जीवाश्म का आयु पता करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यूरेनियम डेटिंग से हम क्या पता करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कार्बन तिथि निर्धारित करने के लिए मीन्स कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है, वो होता है C6-14। रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धायु मीन्स 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा, तो 3200 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा, एक रेडियोधर्मी पदार्थ के अर्ध आयु 10 दिन है, उसका अभिप्रिय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन क्या हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा। 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा, मीन्स आप ऐसे अगर याद रखो तो रख लेना, 1/4 जो होता है इसके डबल में होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1-1/4 कर दिया गया तो निकल के क्या आ गया, 3/4 और वो 20 दिन में। अब हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं हम कैंसर के लिए मेनली, शरीर के अतरंग में अवरुद्ध का उपचार के लिए हम कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, आयोडीन 131 के लिए हम थायराइड अवरुद्ध का, फॉस्फोरस के लिए मीन्स फॉस्फोरस 32 के लिए श्वेत रक्तता उपचार के लिए,